एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी कोहरे के कारण नहीं कर पाए चुनाव प्रचार। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी को आज देवबंद विधानसभा और सहारनपुर देहात विधानसभा में चुनावी सभा करना था, लेकिन कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाना और वहां पर जो है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनावी सभा को आज रद्द करना पड़ा। लेकिन देवबंद में बड़ी संख्या में वहां पर लोग जो है इंतजार कर रहे थे बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी का। वहां पर जो है मंच सजा हुआ था, लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब का, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए। देर शाम को बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब ने खुलासा किया है, जो है चुनाव प्रचार जो है उनका नहीं होना, कोहरे के कारण नहीं हो पाया, जिस वजह से बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब फिर चुनाव प्रचार या देवबंद आने की बात कही है। लेकिन इस वक्त जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी के गैप को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के विधायक अफ्तोल ईमान वहां पर पहुंच गए हैं। उनका जोशीला वहां पर तकरीर हुआ और साथ ही साथ वहां पर बिहार के एमआईएम विधायक झारा आसफी भी मौजूद रहे और जो है बड़े लीडर एमआईएम के वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने बारी बारी से देवबंद विधानसभा के लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ जो है वहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कहीं न कहीं बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अफ्तोल ईमान वहां पर पहुंच गए हैं देवबंद के चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए और देवबंद विधानसभा को एमआईएम में के झोली में डालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और खासतौर पर जो है सुर्खियों में आ रहे हैं बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब जो है हमले के बाद से भी वो चुनाव प्रचार अपना जारी रखा है, लेकिन आज जो है उनका कोहरे के कारण वहां पर चुनाव प्रचार नहीं हो पाया है। इस वक्त बताते चले कि मजलिस के स्टार प्रचारक लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देवबंद खास सीट पर मजलिस का पूरी निगाह है और उमेर बदनी एमआईएम के वहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर उत्साह का माहौल है और साथ ही साथ इस बार जो वहां पर बदलाव का लहर उत्पन्न करने के लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अफ्तोल ईमान पहुंच चुके हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों को वहां पर संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से वो बिहार में बदलाव किए थे उसी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं और देवबंद सीट पर खास उनका नजर है और देवबंद के लोगों को बिहार के बारे में बताए। बिहार में उन्होंने जो विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, खासतौर सीमांचल और पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहा है, 5 सीट सीमांचल से जीते हैं, पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहा है, इसको लेकर वहां पर वहां के लोगों को जो है मजलिस के प्रति दिलचस्पी बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा फोकस देवबंद विधानसभा में है और देवबंद में जो है बैरिस्टर सोहतीन ओवैसी साहब खासतौर पर अफ्तोल ईमान को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए सौंपा है। कहीं ना कहीं वहां पर जो है एमआईएम की झोली में वो सीट लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। लगातार आपको द मैसेज न्यूज के माध्यम से हम अपडेट दे रहे हैं और खास अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।